हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिप्टो द वन शॉप सोल्यूशन है क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमिटेबल एक्स uh, के प्राइस एक्शन को तो चलिए शुरू करते हैं सो so, ये न्यूज़ मैंने पिक किया है सी डॉट कॉम से इसका लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अभी हम आते हैं न्यूज टाइटल के ऊपर सो न्यूज टाइटल कुछ इस तरह से इमिटेबल एक्स काट्स फिफ्टी परसेंट ओवरनाइट विल आई एम एक्स क्वाइन कीप अप ग्रोइंग इन डिमांड और नॉट सो दिस इज द मेन न्यूज एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क सो सबसे पहले इमिटेबल एक्स क्या है उसको पहले देख सकते हैं वेबसाइट क्या है प्राइस क्या है कॉन्मर्ट कैप के पैरामीटर्स क्या है ये किस टाइप का टोकन है ब्लॉक क्या है इसका मेन डोमेन क्या है वो सब चेकआउट करने के बाद इसका प्राइस सेक्शन को चेकआउट कर लेते हैं इस वेबसाइट के ऊपर तो सबसे पहले आई का डिटेल्स लेते वेबसाइट उसका जो इज इमिटेबल एंड इसका जो टिकर है तो ट्वेंटी का सर जीरो इसका जो मार्केट कैप है दट इज पूरी दुनिया का जो पैसा लगा हुआ है टोकन ऊपर दट इज सेवन वन सेवन मिलियन डॉलर्स के आसपास विच इम का फोर्टी सेवन सो अंडर फिफ्टी टॉप फिफ्टी के कॉन्स के भी लिस्ट के अंदर आता है उसके अलावा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है सारे एक्सचेंजेस को मिला है दट इज थर्टी एट पॉइंट जीरो सेवन मिलियन डॉलर्स के

सो so, इसका आप देख सकते हैं वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं व्हाइट पर चेकआउट कर सकते हैं पे ऑपरेट हो रहा है टेक्निकली टोकन है एंड हम देखते हैं इसका मेन वेबसाइट अभी सो वेबसाइट इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग अवेट्स ओके सो दिस इज अ गेमिंग बेस्ड ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म आप इस पर देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स डिजाइन हुए हैं फॉर एग्जाम्पल द मेन हाईलाइट इज अपील टू द मेन स्ट्रीम गेमर्स मिट्ट मिलियंस ऑफ एन एफ टीज विथ ईज बिल्ड इन अवर्स विद एपीएस एंड सुपर चार्ज यूर डिस्ट्रीब्यूशन मेन हाईलाइट्स है फॉर द गेमर्स ठीक है उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कौन से कौन से गेम्स इन्होंने इन लॉन्च किए इस ब्लॉक के ऊपर यू कैन सी गाइड ऑफ गार्डियंस एंड गॉड अनचेन मेटाक्लोर ये सब गेम्स अवेलेबल है बिल्ड हुए ब्रॉक चेन के ऊपर आप देख सकते काफी अच्छे ग्राफिक्स है एंड यू कैन प्ले दिस गेम यू कैन व्यू द प्रोजेक्ट ऑन द वेबसाइट आप इस गेम्स को खेल सकते हैं एन को परचेस कर सकते हैं टोकन्स को मेंट कर सकते हैं गेम खेलने के बाद एंड यू कैन मेक सम मनी बाय प्लेंग द गेम्स तो बेसिकली गेमिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स है गेमिंग तो बेस्ड ब्लॉक है दैट इज द नेम इज आई एम एक्स ओके ऑल लेट्स सो न्यूज़ पे आते हैं वापस से सो आई एम एक्स स्टार्टेड देन अप ट्रेंड ऑन सेप्टेबर ट्वेंटी आई मीन आई एम एक्स स्टार्टेड एंड अप ट्रेंड ऑन सेप्टेम्बर थर्टीन ठीक है सो अब जाते हैं इसको प्राइस एक्शन पे चार्ट पे जाइए प्राइस पे क्लिक करिए ऑल पे क्लिक करिए एंड हम देखेंगे लेटेस्कीप ऑन वन मंथ सो वन मंथ में आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस चला था सितंबर थर्टीन को वॉज ज़ीरो पॉइंट फोर एट डॉलर्स के आसपास तो सितंबर थर्टीन तक इसका प्राइस डाउन ट्रेंड तक था एंड उसके बाद अप ट्रेंड में गया एंड इसका प्राइस हाईएस्ट उसने पिक किया एट अबाउट जीरो पॉइंट सेवन फाइव डॉलर तो जीरो पॉइंट फोर एट से सीधा चला गया जीरो पॉइंट सेवन फाइव डॉलर्स फ्रॉम सेप्टेम्बर थर्टीन टिल सेप्टेम्बर ट्वेंटी फर्स्ट ठीक है काफी बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक आया एंड काफ़ी बड़ा प्राइस अप्रिशिएट हुआ इस टोकन के अंदर ये जो टोकन का वॉल्यूम एप्रिशिएट हुआ बिकॉज अ लार्ज वॉल्यूम केम ऑन कोरियन एक्सचेंजेस तो बड़े वेल ने बहुत सारा बड़ा पैसा लगाया होगा ऑन कोरियन एक्सचेंजेस उस वॉल्यूम की वजह से इतना बड़ा प्राइस में हाइक आया है डेरिवेटिव मार्केट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव बट मे एक्चुअली लीड टू अ शॉर्ट स्क्वीज अभी शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है लॉन्ग स्क्वीज क्या होता है अगर आप सपोज लॉन्ग कर रहे हैं आपने सपोज पीडिक किया कि मार्केट ऊपर जाएगा ठीक है एंड आपका लॉन्ग स्क्वीज हो गया दैट मीनस एक्चुअली मार्केट नीचे चला गया एक बड़ी विक आ गई नीचे के डायरेक्शन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो हुआ लॉन्ग स्क्वीज अगर आपका शॉर्ट स्क्वीज है दैट मीन्स अगर आपने पीडिक किया मार्केट डाउन जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस वापस हिट हो गया तो वो शॉर्ट स्क्वीज तो शॉर्ट स्क्वीज एंड लॉन्ग स्क्वीज बहुत बार क्रिएट किए होते हैं ताकि मार्केट के सेंटीमेंट्स भले ही नेगेटिव है फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है टू मेक सम प्रॉफिट्स फॉर द एक्सचेंजेस जनरली एक्सचेंजेस एंड वेल्स मैनिपुलेट करते हैं एंड मैनिपुलेशन की वजह से शॉर्ट एंड लॉन्ग स्क्वीज क्रिएट होता है ताकि ट्रेडर्स का लॉस हो रिटेलर्स का लॉस हो एंड वो लॉस के चक्कर में वेल्स का प्रॉफिट होता है कई बार एंड एक्सचेंजेस का प्रॉफिट होता है बहुत बार ठीक है जैसे ही इसका प्राइस अप्रिशिएट हुआ तो आई करेंटली इज होल्डिंग द एट पोजिशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है अगर आप मार्केट्स में जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये जो टोकन अवेलेबल है ट्रेड होने के लिए फाइनेस पे कॉइनबेस पे कूकन

तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक ही दिन में दो ही कैंडल में अगर आप एक घंटे कैंडल देखते हैं तो थर्टी सेवन परसेंट इसका जंप आया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सो प्राइस अप्रिशिएटेड फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव फाइव डॉलर जीरो पॉइंट सेवन सिक्स डॉलर इन जस्ट फ्यू आवर्स तो इतना बड़ा स्पाइक आया बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट केम इन टू एक्सचेंजेस ठीक है तो इसके अलावा आप इसको डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको ऑन चेन एक्टिविटी को चेकआउट कर सकते हैं यू कैन चेकआउट द डेरिवेटिव सेक्शन आप फंडिंग रेट को देख सकते हैं ग्लास नोड के एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं आप यूको डी टोकन को सर्च करिए एंड इसका ऑन चेन डेटा एनालिसिस आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ ग्लास नोड इसका प्राइस एक्शन प्राइस एनालिसिस भी हमने देखा हुआ है काफी सारे एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि इसका प्राइस कितना जा सकता है यू कैन चेकआउट द प्राइस एनालिसिस एज वेल एंड ये एक डिस्क्लेमर है कि इन्होंने कोई भी प्रिडक्शन दिया है ये कोई वेबसाइट अगर आ, या कोई एनालिस्ट है वो अगर प्रडिक्शन दे रहा है कि ये प्राइस इतना जाएगा तो गारंटी नहीं कि प्राइस जाएगा इट इज नॉट अ फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एडवाइस इट इज जस्ट अ प्रडिक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड मैथमेटिकल मॉडल तो प्रिडिक्शन बहुत बार गलत भी होते हैं सो यू शुड डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इंटू क्रिप्टोकरेंसी एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फेंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो